हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। आज हम आप लोगों के लिए बताएंगे बीएससी सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2020-21 फाउंडेशन कोर्स पेपर सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज का सॉल्यूशन। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पर, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका है अपन का फर्स्ट का है डी और सेकेंड का है अपना ए। ठीक है, थर्ड पर आते हैं, इन अ लेटर टू गॉड द क्रॉप दैट ग्रू वाज, तो थर्ड का है अपना बी। ठीक है, थर्ड का बी है। अब आते हैं अपन फोर्थ पर, तो फोर्थ में अपन को पूछा गया है, फोर्थ में पूछा गया अपन को कि, तो फोर्थ का है अपना व्हाट डिड ऑक्सिनोस वाइफ सा, तो इसका है ए आर ड्रीम। ठीक है, फिफ्थ का है, सेक्शन बी पर आते हैं, तो क्वेश्चन सेकंड से हम आप लोग के लिए 20 में पेज नंबर बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग जिसके पास 20 नहीं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसके पास 20 तो वो पेज नंबर से आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, आते हैं अपन सेक्शन बी पर, क्वेश्चन सेकंड पर। ठीक है, इसमें कोई एनी थ्री करना है, तो अपन का जो क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट दिया गया, राइट द शॉर्ट समरी ऑफ द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियंस, तो देखो ये है अपनी समरी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनके पास 20 नहीं है। ठीक है, इतना यहां से लिखना है अपन को, ये यहां तक। ठीक है, ये चिल्ड्रन तक। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक दो के दूसरे पर, ये अपना क्वेश्चन सेकंड का सेकंड, इसमें पूछा गया है डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ हामिद इन कंपैरिजन विद अदर किड्स, तो देखो डिस्क्राइब द कंडीशन, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 13 पेज पर 20 के। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था अपन का सेकंड का पहला, वो था अपना 8 पेज पर, ये अपना 13 पेज पर। ठीक है, दूसरा वाला ये यहाँ तक करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे के तीसरे पर, तो तीसरे के लिए देखिए आप लोग 21 पेज नंबर, तो दूसरे के तीसरे में पूछा गया है व्हाट अक्सिनोव सेज इन रिस्पॉन्स टू हिज वाइफ एंड व्हाट डज दिस रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर, तो देखो ये है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे का तीसरा, तो आप लोगों को ये यहाँ तक लिखना है, इस वाइफ तक। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन फोर्थ पर, इसमें कोई एनी थ्री करने है, तो थ्री हो गए अपन के। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न क्रमांक तीन पर, तो तीन में डुएस डायरेक्ट दिए हैं, तो हम इसका आप लोगों के लिए बता रहे हैं। ठीक है, डुएस डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन थ्री, इसमें भी अपन को एनी फोर करना है, तो फर्स्ट पर आते हैं, ये अपना क्वेश्चन थ्री का फर्स्ट, सप्लाई सिचुएबल प्रीफिक्स टू फ्रॉम द नेगेटिव of the following words। ठीक है, तो अपन का ए दिया गया नेचुरल, तो उसका होगा अननेचुरल। ठीक है, और जो बी दिया गया उसका होगा अनकॉमन, सी दिया गया उसका होगा अनकाइंड, और डी है वो उसका होगा अबनॉर्मल। ठीक है, अब आते हैं तीसरे के दूसरे पर, ये आप लोग अपने मतलब यदि गलत भी हो तो आप लोग कर लीजिएगा सही। ठीक है, हमारे हिसाब से ये ऐसे ही सही है। ठीक है, दूसरे का है अपन, दूसरे में पूछा गया मेक एडजेक्टिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग नाउंस यूजिंग प्रॉपर सफिक्स, तो नेशन का होगा नेशनल, पॉलिटिक्स का होगा पॉलिटिकल, और सी का होगा ट्रेडिशन का ट्रेडिशनल। ठीक है, और डी में ऑप्शन दिया है, तो इसका होगा ऑप्शनल। अब फोर्थ में अपन को प्रीपोजिशन करनी है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिचुएबल प्रीपोजिशन, तो आई डू नॉट बिलीव इन हिज स्टोरी, इन लगेगा, सेकेंड में भी इन है। ठीक है, यू शुड नॉट इंटरफेयर इन अदर्स अफेयर्स, इन अदर्स अफेयर्स। ठीक है, सी में सी वॉज वेटिंग इन द स्कूल बस, डी है अपना शेक्सपियर वॉज बोर्न इन 1564, इनमें सब में इन इन लगेगा। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ पर, जिसमें आर्टिकल करने हैं अपन को। ठीक है, तो अब आते हैं फिफ्थ पर, फिफ्थ में पूछा गया अपन को इंसर्ट आर्टिकल वेयर नेसेसरी, तो इसमें फर्स्ट में अपन का द, बी में अपन का ए, सी में अपन का ए, और डी में है ए एन। ठीक है, ये अपने आर्टिकल, ठीक है, आप लोग भर लेना भी में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर, जिसमें लिखा है राइट अ शॉर्ट एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। ठीक है, तो अपन को एक टॉपिक पर लिखना है। ठीक है, तो ये अपना शॉर्ट नोट COVID-19 पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ इतना ले लिया स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद अपन को लिखना है ये यहाँ। ठीक है, इतना ले लो स्क्रीनशॉट, इतना लेने के बाद है अपना इतना और ले लो। ठीक है, ये हो गया अपना राइट शॉर्ट नोट
कोविड-19। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर, जिसमें पूछा गया है, देखो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी लैंग्वेज। तो हमने हिंदी लैंग्वेज में किया है, तो ये है अपना इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, अहिंसा एंड ट्रुथ, तो अहिंसा और सत्य, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट किया है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर, तो प्रश्न क्रमांक 6 के लिए आप लोग देखिए 20 का पेज नंबर। तो प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया, राइट अ नोट ऑन द आर्ट ऑफ राइटिंग ऑफ गुड सीवी। तो ड्राफ्टिंग अ सीवी, ये अपन का पेज नंबर है 20 का, 121 पेज पर। ठीक है, ये लिखना है अपन को, देख लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वीडियोस पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।